हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और अगेन आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी होम रेमेडी जो है यूज़ करके थक चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर डालती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, खुद मैं उन चीज़ों से जूझ चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ उनको शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, तो मैं अपना बताऊं तो एक साल पहले मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल हो चुके थे, और मैं भी जैसे मेरे को जनवरी फरवरी के टाइम पे पिंपल प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे, तो मैंने भी जैसे सभी करते यूट्यूब वीडियो देखी थी, गूगल पे सर्च किया था, दुनिया भर के मैंने लेप लगा लिए थे अपने फेस पे, हल्दी, मिर्च, नमक, पूरे मसाले मैंने अपने फेस पे लगा लिए थे बहुत सारी, पर मैंने दवाइयाँ कोई नहीं खाई थी, कोलगेट वगैरह में मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे स्किन ख़राब हो सकती है। तो मैंने जितनी भी होम रेमेडी यूट्यूब पे थी, लगभग 50% मैंने सारी यूज़ की हुई है, बट एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को लगा कि बस हो गया, अब मेरे से ये नहीं होगा। मतलब मैंने फिर कितने टाइम हो गया था मुझे, नवंबर के महीने में मेरे पूरे फेस पे पिंपल हो चुके थे, इस एरिया पे पूरे फेस पे मेरे पिंपल हो चुके थे, बल्कि अभी भी मार्केट कैमरे में भी दिख नहीं रहे, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा दूँगी बाद में। तो बहुत सारे पिंपल्स मेरे फेस पे हो चुके थे, फिर मैं थक चुकी थी कि मेरे को अब ये नहीं करना है। तो नवंबर दिसंबर के महीने में मैंने जितने भी लेप वेप, बर्फ़, जो भी वीडियो बताते हैं, बर्फ़ लगाओ, हल्दी लगाओ, ये एलोवेरा लगाओ, सब कुछ लगा कर ट्राई कर लिया था, मैं थक चुकी थी तो मैंने छोड़ दिया एकदम से। उसके बाद मैंने मतलब कोई भी लेप ट्राई नहीं किया, मैंने बस सुबह मॉर्निंग में उठ के पानी पीना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बाहर का खाना, जितना भी मैं बाहर का खाती थी, मतलब ऑयली फूड, कुरकुरे, बिस्कुट, हमारी शॉप है तो मैं यहीं से बहुत सारा खा लेती थी, तो मैंने सब कुछ बाहर का खाना छोड़ दिया, बल्कि कोई कुछ देता भी था, फिर किसी के घर से कुछ आता भी था तो वो भी मैंने खाना छोड़ दिया। तो गाइज, एक दो महीने बाद मुझे ऐसे लगा कि पिंपल मेरे बढ़ नहीं रहे, मतलब रुक गए हैं, जितने थे उतने हैं, बढ़ नहीं रहे, और थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लगे हैं। तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। फिर मैंने जब मेरे को इससे फ़र्क महसूस हुआ, तो मैंने 1, 2, 3, 4 महीने, मतलब लगा लो 5, 6 महीने, मैंने बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, अब मैं खाती हूँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जो पिंपल है वो एकदम ख़त्म हो चुके हैं, और दोबारा वो हो नहीं रहे, होते भी हैं, तो अब मैं ज़्यादा उसको उस पर ध्यान नहीं देती, और होते भी हैं तो मैं कभी भी जैसे पिंपल होते हैं तो कभी उन पर हाथ नहीं लगाती, जिस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं तो मैं सीसा ही देखना छोड़ देती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो ऐसे मैंने किया था। तो गाइस, आप भी अगर ऐसे ही करेंगे, अगर आप बिल्कुल भी बाहर का खाना छोड़ दीजिए, कोरोना का टाइम है आजकल, वैसे आपका हैबिट तो सुधर ही गई होगी काफ़ी, पर आप बिल्कुल भी ऑयली चीज़ खाना छोड़ दीजिए। घर पर भी अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो उसको भी अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कम जरूर कर सकते हैं, आप कम जरूर कर दीजिए उसको। रियली में गाइस, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि ज़्यादातर पिंपल उसी वजह से होते हैं, हमारे खान पान की वजह से होते हैं, बाकी स्मोकिंग वगैरह की वजह से भी होते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस चीज़ को भी कम कर दीजिए, धीरे धीरे वो भी आपकी हैबिट जो है वो छूट जाएगी। तो मैं यही कहना, तो गाइस आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं बता देती हूँ आपको पिंपल किस किस वजह से हो सकते हैं। एक तो आपका अगर बाहर का आप खाना खाते हैं तो उस वजह से भी आपको पिंपल प्रॉब्लम होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी आपको पिंपल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको कोई बीमारी है तो उस वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो उस वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जो हमारे शरीर में होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि हमारा पेट एकदम साफ नहीं रहता, हमें पेट की कोई बीमारी होती है तो उस वजह से भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उस टाइम पे आप पानी पीजिए, जितना 2 गिलास आप पानी पी सकते हैं, 3 गिलास आप पानी पी सकते हैं, आप जितना आपको सही लगता है उतना पानी आप पीजिए। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ देना है, और ऑयली फूड बहुत कम खाना है, शुगर आपको कम खाना है, शुगर की जगह आप गुड़ खा सकते हैं, और स्मोकिंग वगैरह है जो आप करते हैं उसको भी आप छोड़ दीजिए, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको भी आप थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब एक हद तक, एक लिमिट तक उसको लगाइए, बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को करने की। तो गाइज़, आप ये सब करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, और अगर आपको फ़र्क महसूस होता है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कम से कम 3-4 महीने तो ये करना ही है, तभी आपको फ़र्क महसूस होगा। तो उसके बाद आप मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको फ़र्क नहीं महसूस हुआ तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और यही मैं आपके साथ कहना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।